अस्सलाम वालेकुम जी, मौजूद हैं वाह वाह उमर शरीफ शो में। और आपको बता दूं कि कराची भर में एक आवाज़ गूंज रही होती है जो है जी की आवाज़, और उसकी माशाल्लाह एंकर पर्सन हमारे साथ है, सोशल इश्यूज पे बात करती हैं, सोशल कंसर्न है बहुत ज़्यादा, और शाइस्ता हमारे साथ है, बहुत खुशी की बात है। अस्सलाम वालेकुम शाइस्ता। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आमरिया? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। शाइस्ता, मैं जानना चाहूँगी कि सोशल इशूज़ पर जब बात होती है, सोशल बेस्ड चीज़ों पर बात होती है, तो थिएटर बहुत ज़्यादा उजागर करता है सोशल चीज़ों को, और ऐसे लोग जिन्होंने थिएटर को उस ऊंचे मकाम पे पहुंचाया, फिर कहीं गुम हो गए, और 10 साल बाद उमर शरीफ लेजेंड वापस आ रहे हैं, एंड आए उन्हें वापस ला रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अच्छा, बिल्कुल सही बात की आपने कि थिएटर से ही आगाज़ हुआ था पूरी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, लेकिन थिएटर के आते ही थिएटर जो है वो सोशल इशूज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट होते हैं उससे, लेकिन बीच में जैसे आपने बात की कि कहीं दब गया था, उसके बाद बहुत सी, क्योंकि वो एक चीज़ आती है मेन चीज़, उसके बाद उसकी इतनी सब ब्रांचेज निकल जाती हैं कि वो जो असल मकसद होता है ना वो गुम हो जाता है। लेकिन उमर शरीफ साहब हमेशा से लेजेंड रहे हैं हमारे लिए, हम सब के लिए हमेशा हंसाते रहे, और पाकिस्तान में खास तौर पर बड़ी ज़रूरत होती है हंसने की, क्योंकि इतने मसले मसाइल हैं सोशल, जब मैं सोशल इश्यूज़ पर प्रोग्राम कर रही होती तो इतने मसाइल होते हैं कि ज़रूरत होती है कि हफ्ते में एक दफ़ा इंसान ऐसा शो ज़रूर देखे जिस पे जो है उमर शरीफ जैसे लोग मौजूद हैं। और बहुत अच्छी बात है कि 10 साल बाद उमर शरीफ साहब जो हैं वो थिएटर की दुनिया में वापस आएँ, और उम्मीद यही की जा रही है मेरी तरफ, मैं तो यही उम्मीद कर रही हूँ कि इसी तरीके से वो इस तरह के शोज़ जो हैं वो करते रहेंगे जिससे जो है लोगों में अवेयरनेस आए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू शाइस्ता, आप माशाल्लाह काम कर रही हैं सोशल कंसर्न्स पर, आपका शो है जी की आवाज़, तो एंड आई ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है वो माशाल्लाह आर्ट को प्रमोट कर रहा है, नया उर्दू बाजार के जरिए एजुकेशन को प्रमोट कर रहा है, कैंट स्कूलिंग सिस्टम है, उसके अलावा रिहाइश जो कराची में बहुत मुश्किल हो गई है मगर इकोनॉमिकल प्राइसेस में वो माशाल्लाह अपनी रियल स्टेट के तौर पर लोगों को दे रहे हैं, एंड आई के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? अच्छा, ये जो आपने बात की एंड आई ग्रुप, मैं डिफरेंट सोशल मीडियम पर देखती रहती हूँ कि कभी जो है वो नया उर्दू बाजार आ रहा होता है, कभी जो है बच्चों की स्कूलिंग के लिए बड़े कंसर्न होते हैं ये लोग, रियल स्टेट का काम है, लेकिन बाकी तमाम जितने भी सोशल इश्यूज़ हैं उन पर भी काम कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो मुबारकबाद दूंगी मैं ए एंड आई ग्रुप को कि इतना कामयाब, क्योंकि जो भी काम करते हैं कामयाब हो जाते हैं इतने कम अरसे में, तो सबसे पहले तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और दूसरी बात ये कि इस तरह के काम करता रहना चाहिए हर किसी को, और लोगों को भी साथ देना चाहिए ऐसे कामों का, जो लोग जो हैं वो थोड़े से कंसर्न है पाकिस्तान के बारे में, सोशल इश्यूज़ के बारे में, तो हम सबको उनका साथ देना चाहिए, हम सबको प्रमोट करना चाहिए उनको। थैंक यू जी। Thank you so much Indai Group of Companies that you are promoting social based things, you are promoting education and all things. Thank you so much Shaista. Thank you.